हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। हम पहले इजी लेवल क्वेश्चन करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे और नॉर्मल मॉडरेट लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है आपके स्क्रीन पे, मेजर्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली डील्स विद। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है एट्रीब्यूट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर टू है, द कम्बिनेशन ए बी ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज द क्लास ऑफ। अगर आपने वो कंटेंजेंसी टेबल पढ़ा होगा, आपको पता होगा ए बी जो होता है ये होता है सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्लास। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी, यहाँ पर ए बी है, ये है सेकंड ऑर्डर क्लास, यहाँ पर ए बी है। और ये जो जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, गोल कर रहा हूँ, ये जो है ये चार, ये वाले जिनको मैं ऊपर गोल कर रहा हूँ, ये होते हैं सेकंड ऑर्डर क्लासेस। और जो ए अल्फा और बी बीटा जो है जिनको मैंने मार्क किया है, ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्लास। और जो ये रह गया एन, तो ये होता है जीरो ऑर्डर क्लास। चाहे कोई भी कितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हमेशा जीरो ऑर्डर क्लास रहते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द टोटल एन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द क्लास ऑफ। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, जो भी एन होता है, चाहे कितने भी कोई भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमेशा जीरो ऑर्डर क्लास रहता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरह, द नोटेशन ए बी सी रिप्रेजेंट्स। ए बी और सी आपको बताना है क्या है। यहाँ पर 3 सेकंड में देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पॉट। यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास ए बी एंड सी, गलत नहीं करना है यहाँ पर आपको, करेक्ट आंसर सी पॉट है। तो विद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव है, यहाँ पर विद टू एट्रीब्यूट्स वन कैन हैव इन ऑल। अगर टू एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास ए बी, तो टोटल क्लासेस कितने बन सकते हैं। यहाँ पर इसका करेक्ट है 9। आपको पता होगा 3 raised to power n करके यहाँ पर आपको 9 निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद 3 attributes x y z द नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। तो अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, कितने अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी बनेंगे। तो इनके सब 3 attributes, तो इसका जो करेक्ट है वो है 8 attributes बन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता, एक फार्मूला है, जहाँ पर जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको पता होगा, जो आर्ट्स वाले हैं, यहाँ पर n iota 2 raised to power r डिवाइडेड बाई r का आयोटा, ओके, और ब्रैकेट में लगाना है n-r। ये जो परमिटेशन की फार्मूला है ये आप लगा सकते हो, n की जगह है यहाँ पर पुट करना है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं। ओके, चाहे 2 attributes है, 3 है, 4 है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर लगाने हैं आपको। और 2 तो फार्मूला का ही रहेगा अपनी जगह, और जो ये r है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसकी जगह आपको पुट करना है कितने ऑर्डर आपको निकालना है। सेकंड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर पुट करोगे, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर वाले निकालने होंगे तो यहाँ पर आपको पुट करोगे, तो आपको फिर ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पर एग्जैक्टली अल्टीमेट ऑर्डर निकालना है, जो भी निकालना है वहाँ पर डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। तो ये है फॉर्मूला जहाँ से आप निकाल सकते हो, वरना तो डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हो शॉर्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, विद 2 attributes ए बी एंड देयर नेगेशंस ए बी, ए अल्फा बीटा भी दिया गया है, रेस्पेक्टिवली द फ्रीक्वेंसी ए इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर बी पॉट। ए बी प्लस ए बीटा जब आप करोगे तो वहाँ पर मिलता है ये। ओके, तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे, विद 3 attributes ए बी सी द नंबर ऑफ सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर 3 attributes दिए गए हैं, अब सेकंड ऑर्डर फ्रीक्वेंसी क्लासेस निकालने हैं आपको। इसका जो करेक्ट है वो है 12, यहाँ पर निकल जाते हैं, सी पॉट इज द करेक्ट हियर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, विद 3 attributes ए बी एंड सी द नंबर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस। ओके, 3 attributes में आपको पता होगा, जब 2 ही attributes हैं तो 4 बन जाते हैं, 3 attributes में 2 और ऐड हो जाते हैं, तो 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 यहाँ पर क्लासेस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, इन केस ऑफ 2 attributes। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी वॉइस अगर कम आ रही है, धीमी आ रही है, तो आप वॉल्यूम को हाई लेवल पे रख सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे माइक्रोफोन में क्या प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, तो फिर भी आप थोड़ा सा ईयरफोन लगा के या वॉइस को आराम से सुन सकते हो फिर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, इन केस ऑफ 2 attributes ए एंड बी द क्लास फ्रिक्वेंसी ए अल्फा एंड बी इन टर्म्स ऑफ अदर क्लास फ्रीक्वेंसी कैन बी एक्सप्रेस। अब शॉर्ट में यहाँ पर बताना है आपको, ये जो निकालना है आपको ए बी कैसे निकाल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, जब आप बी को माइनस ए बी करोगे तो वहाँ पर निकलेगा क्या, ए अल्फा एंड बी,
देखते हैं निकलता है कि नहीं। यहाँ पर अगर मैंने दिखाया होगा टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टेबल कंटिजेंसी टेबल भी लगाया है। हमें निकालना है क्या है, अल्फा एंड बी, अल्फा एंड बी। ये देख लीजिए यहाँ पर है अल्फा एंड बी आपके सामने है, कहाँ है मुझे तो दिखता ही नहीं। अल्फा बी, अल्फा बी, यहाँ पर अल्फा बी है। जब आप ए बी को माइनस करोगे ए बी तो वहाँ निकलेगा अल्फा बी। सेम इज द केस हियर, कंटिजेंसी टेबल आपको याद रखना है वरना आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं एग्जाम में। वही हमने बी को माइनस किया ए बी तो वहाँ निकला अल्फा बी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे, द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी शॉर्ट है, यहाँ पर अल्फा बी इनको कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। अब यह जो है ये जो अल्फा बी है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में निकालना है आपको। एन को जब आप माइनस करोगे ए, फिर उसको माइनस करोगे बी, फिर प्लस करोगे ए बी, तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली ये वैल्यू मिल सकता है। आप फ्रीक्वेंसी जो कंटिजेंसी टेबल में है वहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ से निकालने हैं, क्योंकि ये आपने देख लिया हमने ए बी पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने ये जो ए बी है ये वाला अल्फा बीटा ये हमने पॉजिटिव एट्रीब्यूट से निकालना होता है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द क्लास फ्रीक्वेंसी ए जो है दिया गया है ए 90 है, ये एन है 100, बी है 70, ए बी है 40, रिवील्स दैट द डाटा इज। इसको आप आराम से कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देखना है डाटा क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर जो डाटा रहता है वो रहेगा इनकंसिस्टेंट। अब ये इनकंसिस्टेंट क्यों रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि जब भी आप ये जो लो ऑर्डर फ्रिक्वेंसी होती है जैसे कि बी, जैसे कि 100 में से आप 70 निकालोगे तो वहाँ रहेगा 30, यानी कि बीटा जो आएगा वो रहेगा 30, और ये जो 30 है ये लेस देन है किससे, ए बी से। ओके, हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी ये कम है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी तो इससे छोटी होनी चाहिए, तो दैट मीन्स ये डाटा जो है ये इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पे, इन केस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ए बी द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी द वैल्यू ऑफ ए बी, यहाँ पर जीरो दिया गया है द वैल्यू ऑफ क्यू। आपने यूलर्स का ऑप्शन पढ़ा होगा, जब आप ए बी जीरो रखते हो तो वहाँ पर फिर क्या बन जाता है, ये बन जाता है -1। यूलर्स का ऑप्शन की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करनी है आपको, एक साइड में आपको जीरो लगाना है तो फिर जीरो जीरो काटने हैं यहाँ पर इस तरीके, इस साइड में जब आप ए बी जीरो रखोगे तो ये सारा साइड जीरो बन जाता है, फिर यहीं पर काटोगे तो वहाँ पर रहेगा -1। इसी तरह इफ फॉर टू एट्रीब्यूट्स ए बी द क्लास फ्रिक्वेंसी ए बी इज इक्वल टू जीरो देन क्यू इज इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पर नीचे वाला जो है वो भी जीरो दिया गया है, सेम इज द केस हियर, ए बी अब जीरो है, ये जीरो है, ए बी जीरो है, ये इस तरीके से बन जाएगा अगेन, तो ये वाले कट जाएंगे यहाँ पर, तो अगेन रह जाएगा -1। पार्शियल एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द एसोसिएशन। अब ये जो एम सी क्यू है ये मैंने कम्युनिटी टैग में भी लगाया था शायद, पार्शियल एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू द एसोसिएशन, ये क्या होता है, इन अ सब पॉपुलेशन, सॉरी इन अ सब पॉपुलेशन, ये वाला क्वेश्चन सी पार्ट इज द करेक्ट हियर, सब पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पे, इफ टू एट्रीब्यूट्स हैव नो पॉजिटिव रिलेशनशिप द एसोसिएशन बिटवीन देम इज नोन एज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इल्यूजनरी एसोसिएशन। इल्यूजनरी एसोसिएशन एक ऐसी एसोसिएशन है जो हमें लगती है कि दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एसोसिएशन है, पर हकीकत में उनके बीच में एसोसिएशन नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, नंबर ऑफ वाइट पीपल इन यूरोप, ओके, यूरोप में जो वाइट पीपल हैं, नंबर ऑफ वाइट एंड नंबर ऑफ पीपल प्लेइंग सीकिंग गेम्स। ओके, नॉर्मली यूरोप में क्या है, वाइट पीपल हैं, वहाँ पर क्लाइमेट कूल है तो वहाँ पर वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा पर है, तो वहाँ पर जो नॉर्मली जो है वाइट पीपल ज़्यादा हैं तो नॉर्मली क्या है, सीकिंग गेम्स वो ज़्यादा खेलते हैं, तो ऐसे करके एसोसिएशन बन जाती है कि हमें लगता है कि जो वहाँ के वाइट पीपल हैं वो ज़्यादातर सीकिंग गेम्स खेलते हैं, पर हकीकत में ऐसा नहीं है, ये एक इल्यूजन बन जाता है जिसे इल्यूजनरी एसोसिएशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल थी आपके समझने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी इज अ मेजर ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिजेंसी इज अ मेजर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट्स। ओके, याद रखना है आपको। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरह। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, यूलर्स कोएफिशिएंट वेरीज फ्रॉम, यूलर्स कोएफिशिएंट अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा वो -1 to +1 से मेजर करता है। -1 मीन्स कंप्लीट डिसएसोसिएशन या नेगेटिवली एसोसिएशन, कंप्लीटिव जो, और जो जीरो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, और जो वन होता है वो होता है पॉजिटिवली एसोसिएशन वगैरह, ये तो आपको पता होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉजिटिवली एसोसिएशन। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर पहले हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हमारे पास ऑलरेडी होती है, और फिर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी या कोई और मेथड लगा के, फिर अगर ये बड़ी होगी तो उसको कहते हैं पॉजिटिवली एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास द रिलेशन बिटवीन स्किन कलर एंड इंटेलिजेंस इज। तो इसकी कोई रिलेशन नहीं है तो ये है इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 21 है एजुकेशन एंड इग्नोरेंस आर। एजुकेशन एंड इग्नोरेंस के बीच में है, दे आर नेगेटिवली रिलेटेड। जहाँ पर एजुकेशन होगी इग्नोरेंस खत्म होगी, और इग्नोरेंस जहाँ आएगी वहाँ पर एजुकेशन खत्म होगी। दे आर नेगेटिवली रिलेटेड, एक के आने से दूसरा खत्म हो जाता है, दैट मीन्स नेगेटिवली। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा भी मैंने दिए हैं। क्वालिटेटिव डाटा जो बाइनरी डाटा, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा है, इसका स्क्रीनशॉट उठा के आराम से पढ़ सकते हो आप। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।